हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास सिक्स की जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर ट्वेल्व बियॉन्ड अर्थ तो इसमें जो है अभी तक हमने यहाँ पर स्टार्स के बारे में पढ़ा था आज हम जो है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है इसका सेंटर क्या है या किस तरह से वो जो हमारे प्लैनेट्स हैं कौन कौन से हैं कैसे वो रोटेट करते हैं ये सब सबसे पहले द सन द सन इज़ अ स्टार इट इज़ स्टार क्लोजेस्ट टू अस ये सबसे जो है ऐसा स्टार है सन एक स्टार है और ऐसा है जो पृथ्वी के सबसे पास में है अर्थ के सबसे क्लोज ये ही है इट इज़ एन एक्सट्रीमली होर्ड्स स्फेरिकल बोल ऑफ गैसेस और ये बहुत गर्म होता है और स्फीयर की तरह है जिसमें बहुत ज़्यादा गैसेस हैं द सन गिव्स आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज वाई इट ग्लो सो ब्राइटली और इसके अंदर बहुत एनर्जी है जिसकी वजह से बहुत एनर्जी भी देता है और इसीलिए ये बहुत ब्राइट भी दिखाई देता है द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ और सन क्या करता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी और लाइट और हीट कोर ये जो है अर्थ पर एनर्जी के लिए सबसे मेन सोर्स है हाउ बिग इज द सन सन कितना बड़ा है सो इट इज़ अबाउट हंड्रेड टाइम बिगर देन द अर्थ इन डायामीटर सो अर्थ जितनी बड़ी है उससे सौ टाइम्स बड़ा आप उसे बोल सकते हो हंड्रेड टाइम्स बड़ा है एंड स्टिल इट लुक लाइक सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ लेकिन फिर भी ये बहुत छोटा सा दिखाई देता है और क्यों दिखता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्राम द अर्थ इज अबाउट वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन किलोमीटर तो सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस कितना है वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन मिलियन किलोमीटर अ यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्र एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम इज एस्ट्रोनोमियल यूनिट तो क्या यूज़ किया जाता है इस जो डिस्टेंस होता है उनको उनके लिए यहाँ जैसे सोलर सिस्टम में जो डिस्टेंस है उसके लिए तो ए यू का यूज किया जाता है विच इज़ एक्स अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ और जो किसके इक्वल होती है जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है उसकी एक यूनिट उसके इक्वल होती है जैसे कि वन ए यू लगभग आप मान के सक चल आ, चल सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर है द सन being the big uh, brightest object and the source of light and heat on earth was elevated in most ancient civilization to the status of deity to so, a uh, sun kya hai brightest hai sabse uh, jo hai bright hai ye jo hame dikhai deta hai and sath mein ye jo hai earth par light aur uh, heat हीट का क्या है सोर्स भी है इसी से लाइट और हीट बनती है तो पहले जो पहले के लोग थे वो इसकी एक भगवान की तरह पूजा भी करते थे इन इंडिया द सन इज वर्शिप्ड एज सूर्य सन को क्या बोला जाता है सूर्य बोला जाता है उसकी पूजा की जाती है द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ एट अ टेम्परेचर डेट मेक द लाइफ पॉसिबल सो सन क्या करता है हीट प्रोवाइड करता है कितनी इतनी ही हीट प्रोवाइड करता है जि, जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर अर्थ पे बन सकता है कि लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है सन लाइट इज असेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल इंक्लूडिंग ूमन्स सो सन क्या है हमें यहाँ पर लाइट सनलाइट मिलती है और सनलाइट से क्या होता है प्लांट ग्रो करते हैं और अपना खाना बनाते हैं ठीक है थीके? और हमें क्या करेंगे ऑक्सीजन देते हैं एनिमल और ह्यूमन के लिए द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट सीजन वेदर साइकिल विंड्स और सन की वजह से ही ये बाकी की सारी चीज़ें भी होती हैं जिसमें आपके क्लाइमेट भी आता है सीजन भी आता है वेदर भी आता है साइकिल भी चलता रहता है और विंड्स भी होती हैं तो ये सब किसकी वजह से होता है सन की वजह से ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ और ये सारी ही चीज़ें अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं हाव द सन इज मच क्लोजर टू अर्स देन द अदर स्टार हैंस इट अपेयर मच बिगर देन द स्टार लेकिन सन क्या है बाकी स्टार के मुकाबले अर्थ के बहुत पास है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है तो सन यहाँ पर और बाकी स्टार और भी इससे बहुत दूर हैं जिसकी वजह से वो हमें और भी छोटे दिखाई देते हैं इसीलिए सन हमें ये इन स्टार से पास में इसलिए हमें क्या होता है बड़ा दिखाई देता है एज द स्टार अदर देन द सन आर मच फादर अवे दे अपियर लाइक पॉइंट्स वो हम बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह दिखते हैं इवन दो समार आर मच बिगर कुछ स्टार तो बहुत बड़े हैं देनावर सन हमारे सन से भी ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर स्टार्स लेकिन आ, सुबह के टाइम या दिन के टाइम पर क्या हो जाता है सन बहुत ब्राइट हो जाता है जिसकी वजह से हम बाकी के स्टार्स को नहीं देख पाते हैं द स्टार नियरस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रोक्सीमा सेंचुरी सो सन के बाद में जो सबसे पास में स्टार अगर आप मानेंगे तो वो कौन सा है प्रोक्सीमा सेंचुरी विच लाइज एज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट टू लैख नाइनटी सिक्सटी नाइन थाउजेंड ए यू अब हमने क्या बोला था वन ए यू इज इक्वल टू वन फिफ्टी सिक्स मिलियन किलोमीटर और ये कितना है ट्वेंटी सिक्स सॉरी टू लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड ए यू की इक्वल है अगर वन ए यू इसका सॉरी वन ए यू इसके इक्वल है तो ये ए यू किसके इक्वल हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर इसमें आएगा दिस मीन्स डैट इट्स डिस्टेंस अबाउट टू लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड टाइम अवर डिस्टेंस टू द सन यानी कि जितना हमारा सन से डिस्टेंस है उसका का दो लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड ज़्यादा करेंगे तो उतना दूर है ये हमसे देर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई अवर अर्थ अलोंग विद सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द सन टूगेदर फ्राम अवर सोलर सिस्टम सो और भी बहुत सारी अर्थ के बाहर जो है चीज़ें हैं हमारे स्काई में जिनके बारे में हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द स सन और बहुत सारी चीज़ें क्या हैं सन की चारों तरफ ही घूमती रहती हैं जैसे कि हमारी अर्थ सन की चारों तरफ घूमती है द मूमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन और सन के चारों तरफ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो इस जो ये घूमने का प्रोसेस है ये ऑब्जेक्ट का जो राउंड करने का सन के चारों तरफ जो मूवमेंट करते हैं इसे क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन ना अब क्या आते हैं प्लैनेट्स तो ये जो सन के चारों तरफ ऐसे चीज़ें घूमती हैं उन्हें बोला जाता है प्लैनेट शब्द को नहीं अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज नियर ई स्पेरिकल स्पेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवोल्वज अराउंड द सन तो एक प्लैनेट क्या है बहुत बड़ा सा स्पेरिकल तरह का जैसे एक बोल होती है उस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो सन के चारों तरफ घूमता है अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट हमारा अर्थ भी क्या एक प्लैनेट है एक प्लैनट है एज इट रिवोल्व अराउंड द सन एज शोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट सेवन हम नीचे देखेंगे वो फिगर को द अर्थ टेक नियरली वन ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अर्थ को सन के चारों तरफ अपना एक पूरा चक्कर कट करने में या लगाने में कम्प्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है एक साल का टाइम लगता है लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लानट्स डेट रिवोल्व अराउंड द स सन अर्थ की तरह भी और भी बहुत सारे प्लैनिट हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वाइल्ड रिवोल्विंग अराउंड द स सन सन के चारों तरफ घूमते हुए द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेज अब देखो वो सन के चारों तरफ तो घूमते हैं लेकिन साथ में ही वो अपनी ही एक्सेज पर यानी कि अकेले अकेले खुद भी घूमते रहते हैं और घूमते घूमते ही ऐसे वो आगे जाते रहते हैं फोर वन फुल रोटेशन द अर्थ टेक ट्वेंटी फोर hours, विच इज कोल्ड अ day. और जैसे कि ये अर्थ है यह अपना खुद का ही मतलब यहाँ से ये शुरू हुई है घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ रही है ठीक है खुद ही घूम रहे हैं अकेले अकेले जैसे अगर आपको घूम तो so, सो दोबारा से उन्हें अपने पॉइंट पे आने के लिए या दोबारा से सीधा होने के लिए उन्हें पूरा एक दिन लगता है जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं लाइक द अर्थ अदर प्लानट ऑल्सो रोटेट अपाउंट देअर एक्सेस वाइल रिवोल्विंग अराउंड द सन सो इसी तरह से बाकी के जो प्लानट हैं वो भी क्या करते हैं वो अपने एक्सेस पे तो घूमते ही हैं सन जैसे अर्थ अपने एक्सेस पे सन के साथ साथ घूमती है वैसे ही बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो भी सन के चारों तरफ घूमते हुए अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं अब जो है नेक्स्ट ग्रेड में आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे अब ये देखो आपकी पिक्चर ये है सन ये क्या है एस्ट्रोइड बेल्ट है अब यहाँ पर सबसे पास में कौन सा है ये सन हो गया मरकरी जो है सबसे पास में है उसके बाद आपका वीनस आता है थर्ड नंबर पे आता है अर्थ देन मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपच्यून सो तो ये सब क्या है ये सब आपके प्लैनेट्स हैं और ये जो इनका सर्कल दिया हुआ है ना सन के अराउंड में जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसी सर्कल पे घूमते हैं ये नहीं कि इससे बाहर जाके इसकी लाइन में घूम रहे नो ये अपनी अपनी लाइन पर ही घूमते हैं ये उससे बाहर या उससे दूर नहीं जाते हैं द eight planet इन ऑर्डर टू their increasing इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर एट प्लानट हैं और सन से जैसे जैसे इनकी आ, इनकी डिस्टेंस जो बढ़ती रहती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया सबसे पास में मर्करी देन वीनस अर्थ मार्स जुपीटर सैटन यूरेनस एंड नेपचर द इनर फोर प्लानट्स नियरेस्ट टू द सन जो चार प्लानट सन के पास में है मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स आर स्मॉलर इन साइज ये जो है साइज में बहुत छोटे हैं हैव सोलिड सरफेस विद रोक्स ऑन दैम इनके अंदर क्या है सोलिड सरफेस है जिनके अंदर क्या है रोक्स हैं ये देखो इसके बाद ये एस्ट्रोड बेल्ट आ गई ये जो है पहले चार हैं जो सन के पास में और इनका साइज़ बहुत छोटा है अब इनका देखो इनका बड़ा होता जा रहा है ना साइज़ और बाकी के जो चार बचे हैं इनका साइज़ इनसे कंपेरेटिवली बड़ा है फॉर एंशियन टाइम वेरियस नेम हैज़ बीन यूज अक्रॉस इंडिया फोर द प्लैनिट्स विजिबल टू द नेकेड आइज सो इनके लिए जो है अलग अलग नाम दिए गए थे पहले के टाइम पे इंडिया में भी ये प्लैनिट्स के लिए जिनको हम ईजिली देख सकते हैं अपनी आंखों से भी फॉर एग्जाम्पल बुद्ध बुद्ध किसके लिए है मरकरी के लिए शुक्र वीनस के लिए पृथ्वी अर्थ के लिए मंगल मार्स बृहस्पति यानी कि और गुरु जुपिटर के लिए और सनी सैटन के लिए तो हर एक प्लेनेट का अलग अलग नाम भी इंडिया में दिया गया था वीनस इज यूजली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डोन और डस्ट वीनस को आप इजली देख सकते हैं जो आपको रात के टाइम पे सॉरी शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे ईजिली बहुत चमकता हुआ दिखाई देगा एंड इज कॉमनली कोल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार और उसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है इवन दो इट इज नोट स्टार मार्स इज कोल्ड द रेड प्लैनट मार्स को जो है रेड प्लैनट भी बोला जाता है बिकॉज इट अपीयर्स रेड क्योंकि ये रेड कलर का होता है दिस इज बिकॉज द सोइल ऑन द मार्स इज रेडिश इन कलर क्योंकि मार्स की जो सोयल है वो कौन से कलर की है रेड कलर की देखो यहाँ पर मार्स कौन सा है आपका ये ये देखो कैसे कलर का दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का तो इसलिए कई बार रेड स्टार भी से बोल दिया जाता है एज लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर एंड थर्स इट अपियर्स ब्ल्यू फ्रॉम द स्पेस और अर्थ जो है वो क्या है आपको ब्लू कलर की दिखाई देती क्योंकि इसके ऊपर पानी ज़्यादा है तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कोल्ड द ब्लू प्लानट अर्थ को क्या बोला जाता है ब्ल्यू प्लानट भी बोला जाता है द फोर आउटर मोस्ट प्लैनट जो चार जो हैं आउटर मोस्ट बाहर वाले जो प्लैनट थे जुपीटर सेटन यूरिनस एंड नेपचून आर मच लार्जर कम्पेयर टू द अर्थ अगर आप हम कंपेयर करोगे अर्थ से तो अर्थ से बहुत बड़े हैं एन आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेज और वो किससे बने हैं गैस से बने हुए हैं दीज जाइंट गैसियस प्लेनेट्स हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड दैम विच आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड रोकी मेटेरियल्स अब इनमें क्या है इनके बाहर की तरफ आपको रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं जो डस्ट पार्टिकल और रोक मटेरियल से बने हुए हैं तो ये भी हम देख लेते हैं सारे के सारे देखो एक तो अर्थ का आपको देखना है अर्थ को उन्होंने यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो स्पेस से वो कैसा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ठीक है इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं और इनके लिए इन्होंने क्या बोला कि ये जो बड़े वाले प्लैनेट्स हैं इनके बाहर आपको ये रिंग दिखाई दे रही है ये रिंग किससे बनी है डस्ट पार्टिकल और बाकी सब चीजों को मिलाकर डस्ट पार्टिकल है या फिर जो भी रोकी मटेरियल है वो इसके सरफेस के बाहर ऐसे घूमते रहते हैं जिसकी वजह से ये रिंग यहाँ पर फॉर्म हुई है प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है सन से सो द फादर दे आर जितनी दूर होंगे वो सन से द कोल्डर दे आर इन जनरल उतने ही वो क्या होंगे ठंडे होंगे द प्रेजेंस ऑफ एन एटमोसफेयर ऑन अ प्लैनट कैन ट्रैप हीट विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लैनेट सो किसी भी प्लैनिट पर प्रेजेंस है किसी भी चीज़ की या हीट की जो प्रेजेंस है वो उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकती है जितना हीट होगा उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जितना हीट कम होगा यानी कि सन की लाइट कम आएगी तो उतना ही वहाँ पर क्या होगा ठंड ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर जो है प्लानट का चेंज होता है दैट इज वाई इसीलिए वीनस क्या है फॉर एग्जाम्पल इज होटल देन द मर्करी वीनस जो है मरकरी से ज़्यादा गर्म है और क्यों ओल्दो इट इज़ फादर फ्रॉम द सन जबकि ये क्या है उससे सन से दूर भी है लेकिन इस ऐसा कैसे हो गया अभी इन्होंने क्या बोला प्रेजेंस ऑफ एन एटमोस्फेयर ऑन अ प्लैनेट कैन ट्रैप हीट हीट को भी वो ट्रैप कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है ठीक है तो मर्करी वैसे पास में क्या है मरकरी है लेकिन वीनस क्या है ज़्यादा हॉट है क्योंकि उसने हीट को ट्रैप करके रखा है देर इज़ अनदर ऑब्जेक्ट कोल्ड प्लूटो डेट लाइज फार्दर देन नेपच्यून तो एक और ऑब्जेक्ट था जो प्लूटो था जो न्यूचन नेपच्यून से थोड़ा सा दूर था एंड रिवोल्ड अराउंड द सन और वो भी जो है सन के ऐसे ही चारों तरफ चक्कर लगाता है इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ अर्थ मून और जो मून हमें दिखाई देता है अर्थ का ये उससे भी छोटा है वेन इट वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज कोल्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जब इसे ढूंढा गया जब इसका पता चला तो ये इसको जो है प्लैनेट बोल दिया गया कि ये भी एक प्लैनेट है बट लेटर वैन सिमिलरली मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट वर डिस्कवर्ड लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले द इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमली यूनियन आई ए यू इन टू थाउजेंड सिक्स रीडिफाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कोल्ड प्लैनेट तो उन्होंने क्या किया अपनी डेफिनेशन को चेंज किया कि ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे तो सबको तो हम जो है एक प्लैनेट नहीं बोल सकते हैं तो उन्होंने जो भी एक तो मतलब डेफिनेशन थी प्लैनेट के लिए या फिर रिक्वायरमेंट थी प्लैनेट के लिए वो चेंज की एज पर दिस डेफिनेशन अब इस डेफिनेशन के लिए दीज आर स्मोलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कोल्ड ड्रोफ प्लैनिट्स तो इन प्लैनट्स को क्या बोला गया ड्रोफ प्लैनिट्स बोला गया है ंग द प्लैनेट इज इज इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस विच इज वेरी ब्राइट सो सारे प्लैनट्स में से वी, आ, वीनस को आप इजिल फाइंड आउट कर सकते हो ये बहुत ब्राइट है आफ्टर द सन एंड द मून वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई मर्करी मार्स जुपिटर एंड सैटन कैन ऑल्सो भी सीन विद द नेगेट आई सो मून और सन के बाद में वीनस ही सबसे ब्राइटेस्ट है उसके बाद में आप मर्करी मार्स जुपिटर और सेटन को भी ईजली देख सकते हो दे आर सो फार अवे डेट दे लुक लाइक शाइनिंग डोट्स ये इतनी दूर है कि एक जैसे स्टार की तरह दिखते छोटे से जस्ट लाइक स्टार्स सो हाउ कैन वी डिस डिस्टिंगविज बिटवीन प्लैनट्स एंड अ स्टार तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते कि एक प्लैनट है और या फिर एक स्टार है अनलाइक प्लानट्स द स्टार अपीयर टू ट्रिंकलिंग अ लोट सो जैसे प्लेनेट होते हैं स्टार आपको क्या दिखाई देंगे ट्विंकल करते हुए ठीक है कभी उनकी आ, लाइट कम हो जाएगी देन एक बढ़ जाएगी कम हो जाएगी बढ़ हो जाएगी इस तरह से लेकिन प्लेट्स में ऐसा नहीं हो सकता तो एक एक्टिविटी है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड आईदर एट द डोन और डस्क वीनस को आप जो है सुबह के टाइम या शाम के टाइम देख सकते हो वैन यू आर बींग एट डोन लुक फॉर इट नियर द ईस्टर्न डायरेक्शन बिफोर सनराइज सो आपको कहाँ देखना है ईस्टर्न डायरेक्शन में सनराइज से पहले वैन यू आर बींग एट डेस्क अगर शाम के टाइम पर देख रहे हो उसके बाद में आपको वेस्टर्न जो है डायरेक्शन में देखना है वाइल मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्काई कैन बी सीन विदाउट आवर नेकेड आईज डायरेक्टली वी कैन सी दैम ब्राइट एंड लार्ज यूजिंग अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स और एन इंस्ट्रूमेंट होल्डर टेलीस्कोप देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम जो है स्काई में ईजिली देख सकते हैं ठीक है जिसके लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है लेकिन इनको जो है बड़ा देखने के लिए थोड़ा सही से देखने के लिए आप जो है इस तरह के बायनोकुलर्स या फिर ये इस तरह का टेलीस्कोप जो है एक यूज कर सकते हैं अ टेलीस्कोप ऑल्सो अस व्यू मैनी डिम ऑब्जेक्ट्स ये क्या करता है हमें देखने में हेल्प करता है वो ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत जिनकी लाइट जो है बहुत कम होती है एंड नॉट विजिबल बाई अवर नेकेड आइज और हम डायरेक्टली अपनी आँखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं सो so, ये क्या करता है उनको बड़ा करके थोड़ा सा ब्राइट करके दिखाते हैं यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप वन एवर एंड नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज इन योर रीजन तो अगर बाई चांस आपके आस पास के एरिया में कहीं पर भी नाइट स्काई वॉचिंग का अगर इवेंट किया जाए तो उस टाइम आप जो है स्काई से टेलीस्कोप से स्काई में देख सकते हैं मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी फॉर स्कूल स्टूडेंट बहुत सारी जगह पर जो है बच्चों के लिए जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ की जाती है नाइट स्काई वॉचिंग की देर आर मैनी अमेच्योर एस्ट्रोनो एस्ट्रोनोमिकल क्लब्स आर ओवर द कंट्री विच ऑर्गेनाइज नाइट्स स्काई वॉचिंग इवेंट प्रियोडिकली और भी बहुत सारे uh, क्लब आपको मिल जाएंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं म्यूजियम एंड प्लेटेरियम ऑर्गेनाइज सिमिलर इवेंट सो म्यूजियम और प्लैनेटोरियम भी इस तरह के इवेंट है, करवाते हैं जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन है और कौन नहीं है सो so, आज हम करेंगे इतना ही उसके बाद हम करते हैं सैटेलाइट के बारे में नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन सी है और उसके बाद में कौन सी और अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ ही अब हम इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी कर लेते हैं लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ अ सन सन क्या है सो द सन इज अ स्टार ये स्टार है इट इज़ अ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड इज़ एन एक्सट्रीमली होट स्पेरिकल बोल ऑफ गैसेस तो ये एक स्टार की तरह है और ये अर्थ के बहुत पास है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये बहुत गर्म होता है और गैसेस की एक बोल की तरह है ये द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ वाई इट ग्लो सो ब्राइटली और सन के अंदर सन जो है क्या करता है बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है इसकी वजह से ये हमेशा ऐसे ही ग्लो करता रहता है ब्राइटली नेक्स्ट है हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ सन जो है अर्थ से कितनी दूर है सो सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ वट इज़ एन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट अब ये क्या है सो एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट ये क्या है यूनिट है किसकी डिस्टेंस के लिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन जो एवरेज uh, जो आपकी सन की जो डिस्टेंस है अर्थ के बीच में उसका एवरेज डिस्टेंस आप लेकर चल सकते हो कि वन ए यू इज इक्वल टू आप ऐसे बोल सकते हो वन ए यू इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स मिलियन किलोमीटर सो एक ए यू आपका इतने जो है डिस्टेंस होता है वाइट अर दन अपीयर लार्जर दैन अदर स्टार्स अगर सन स्टार है तो वो बाकी स्टार से छोटा बड़ा क्यों दिखाई देता है दो सा द सन अपीयर लार्जर दैन द अदर स्टार बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू अस क्योंकि ये हमारे बहुत पास में है अदर स्टार दो मैनी आर लार्जर दैन द सन बाकी स्टार हैं जो सन से भी बड़े हैं अपीयर्स ए स्मॉल पॉइंट वो हमें एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखते हैं बिकॉज दे आर मच फारदर अवे क्योंकि वो बहुत दूर हैं वट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन नियरेस्ट स्टार कौन सा है सन के बाद में सो द नियरस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन इज प्रोक्सीमा सेंचुरी विच इज अबाउट टू हंड्रेड टू लैक सिक्सटी नाइन थाउजेंड एस्ट्रोनोमिकल यूनिट अवे फ्रॉम अस जो कि इतने एस्ट्रोनोनिकल यूनिट या फिर ए यू आप जिसे बोलेंगे इतना दूर है वट इज़ अ प्लैनट सो प्लानट क्या है अ प्लानट इज़ अ लार्ज नियरली स्पेरिगल लगभग स्पेरिगल होता है कम्प्लीटली नहीं होता है ऑब्जेक्ट डेट रिवोल्व अराउंड द स्टार जो एक स्टार के अराउंड घूमता है वो स्टार क्या है सन इन अवर सोलर सिस्टम द प्लैनट रिवोल्व अराउंड द सन हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनिट्स हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं सन के अराउंड वट इज द ऑर्डर ऑफ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द वन क्लोजेस्ट टू द सन सन से लेकर दूर जाते हुए जो सन के सबसे पास है आपको उनका मतलब वो बताना है ऑर्डर क्या है सो द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द सन आर मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नैपचून वाई इज वीनस कोल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार वीनस इज कोल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार बिकॉज इट इज़ यूजअली विजिबल शाइनिंग ब्राइटली एज डोन एंड दस क्योंकि सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ही दिखाई देता है और बहुत शाइनिंग दिखाई देता है इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला है वाई इज मार्स कोल्ड द रेड प्लैनट मार्स को रेड प्लान क्यों बोलते हैं सो मार्स इज कोल्ड द रेड प्लैनट बिकॉज दार्स इज रेडिश इन कलर क्योंकि जो सोयल है मार्स पर वो क्या होती है रेड कलर की है जो मिट्टी है मार्स के ऊपर वो रेड कलर की है गिविंग एट अ रेड अपेयरेंस फ्रॉम अर्थ इसलिए हम अर्थें तो वो जो है रेड कलर का दिखाई देता है एंड वाई इज अर्थ कोल्ड द ब्लू प्लैनट अर्थ जो है ब्लू प्लानट क्यों है सो द अर्थ इज कोल्ड द ब्लू प्लानट बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट सर्फेस इज कवर्ड विद वोटर मेकिंग इट अपियर ब्लू फ्रॉम स्पेस क्योंकि अर्थ का जो ज्यादा पोर्शन है वो किससे कवर है वो अर्थ में वोटर से कवर है सो so, इस वजह से अगर आप स्पेस से इसे देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है वट आर ड्रॉप प्लानट्स ड्रॉप प्लानट्स क्या है? smaller, sun, sun हैं ड्रॉप प्लानट्स आर स्मॉलर सेलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स डेट रिवोल्व अराउंड द सन जो सन के चारों तरफ घूमते हैं बट डो नॉट मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासीफाइड एज प्लैनट लेकिन वो जो जो मतलब आपके प्लैनेट्स होते प्लैनेट्स के लिए एक जो डेफिनेशन दी है या फिर जो असेंशियल चीज़ें चाहिए आपको एक प्लैनेट बनने के लिए वो सब इसके अंदर नहीं होती हैं सो प्लूटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ड्रॉप प्लैनेट तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है ड्रोप प्लैनेट बोला जाता है और प्लूटो भी क्या है एक ड्रॉप प्लैनेट है बट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या है सो so, अब प्लैनेट इज अ सेलिस्टियल बॉडी डेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार जो एक स्टार के अराउंड घूमती हैं सेलिस्टियल बॉडी हैं सच एज द अर्थ ऑर्बेटिंग द सन जैसे कि अर्थ जो है सन की चारों तरफ घूमता है और स्टार क्या होते हैं लाइक द सन इज अ मैसिव ल्यूमिनस फेयर ऑफ गैसेज डेट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट थ्रो न्यूक्लियर फ्यूजन और स्टार जो है वो क्या है जैसे सन की सन भी एक स्टार है तो ये बहुत बड़े होते हैं ओस्पियर में होते हैं और बहुत ज्यादा गैसेज इनके अंदर होती हैं जो लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं वट इज़ रिवोल्यूशन एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉ द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन सो रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट अराउंड द स्टार सो ये क्या मूवमेंट है किसी चीज़ के मतलब जैसे प्लानेट है सो so, अर्थ जो है रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि अर्थ अपना एक चक्कर पूरा सन के चारों तरफ अपना एक राउंड कब कंप्लीट करती है सो so, इस मूवमेंट को अपना एक राउंड कंप्लीट करने के मूवमेंट को क्या बोल जाता है रिवोल्यूशन द अर्थ मेक्स अबाउट वन ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन तो अर्थ जो है कितना टाइम लेती है एक साल लेती है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जैसे ये सन है अर्थ को इसको चारों तरफ घूम के यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ से यहाँ आने में से पूरा एक साल लगता है वाई इज वीनस होटर देन मरकरी वीनस जो है मरकरी से गर्म क्यों है इवन दो इट इज फादर फ्रॉम द सन जबकि ये तो सन से दूर है सो वीनस इज होटर देन मरकरी ये मरकरी से गर्म है बिकॉज इट इज अ थिक एटमोसफेयर क्योंकि इसकी जो एटमोसफेयर है वो बहुत थिक है जो हीट को क्या कर लेती है ट्रैप कर लेती है अपने अंदर ही रख लेती है जिसकी वजह से कोजिंग द सर्फेस टेम्परेचर इज टू राइज सिग्निफिकेंटली जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है सर्फेस का वो क्या होता है बढ़ जाता है इस वजह से ये गर्म है वट आर द अदर आउटर प्लेट मोस्टली मेड अप ऑफ जो चार आउटर प्लेनेट थे जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपच्यून वो किससे बने हैं सो द आउटर जुपिटर सैटर्न सैटन यूरेनस एंड नेपच्यून आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस एंड आर ऑल्सो नोन एज गैस जैंट्स तो ये जो है गैसेस से बने हैं और इन्हें गैस जैंट भी बोला जाता है सो so, ये थे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर इसके साथ ही हम अभी तक करते हैं कंप्लीट कल हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू